हेलो एवरीवन, मैं वंदना स्वागत करती हूँ आप सबका वंदना टेरेस गार्डन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि अडेनियम प्लांट को सेंडर में किस तरह से लगाना है। ये सेंडर एक प्रकार का सॉयल मीडिया ही होता है। हम मिट्टी में ना लगा करके अगर हम सेंडर में प्लांट को लगाते हैं तो प्लांट बहुत ही अच्छा चलता है। और सेंडर में लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स करनी है जिससे कि हमारा प्लांट खराब ना हो और ढेर सारे फूल भी दे, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही सब शेयर करूँगी कि इस सेंडर में क्या क्या चीज़ें मिक्स करनी है। तो वीडियो बिल्कुल भी छोड़िएगा मत, बीच में पूरा एंड तक देखिएगा और मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि अडेनियम को अगर हम सेंटर में लगाते हैं तो हमारा पौधा कितना बढ़िया चलेगा और क्या क्या चीज़ें इसमें डालनी है वो सभी कुछ बताऊंगी। आप चाहे तो इसको ऐसे ही लगा सकते हैं, पर अगर आप कुछ चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे तो आपका पौधा बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा। तो आज की वीडियो में मैं यही सब आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा जिससे कि मेरी वीडियो टाइम टाइम से आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये भी बता देती हूँ कि जो ये सेंडर है ये एक प्रकार का सॉयल मीडिया है। इसमें हम अगर पौधे को लगाते हैं तो उसका ड्रेनेज बहुत ही बढ़िया रहता है। बाकी इसमें कोई पोषक तत्व नहीं होते हैं, सिर्फ ड्रेनेज के लिए लगाते हैं। हमारे घर में, हमारे गार्डन में बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो कि फंगस के शिकार हो जाते हैं, जैसे कि गुलाब है, बहुत जल्दी फंगस लगता है। अगर आप सेंटर में लगाते हो तो गुलाब भी बहुत ही बढ़िया चलेगा। जेट प्लांट हो गया या फिर प्रसूला प्लांट हो गया, जो भी पानी स्टोर करते हैं वो वाले पौधे भी अगर हम इसमें लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे चलते हैं। उनकी जड़ों में फंगस की बीमारी कोई भी नहीं होती है, रूट रॉट की समस्या नहीं होती है, पौधा बहुत ही बढ़िया चलता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सेंडर में पौधे को ग्रो करती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि सेंडर में क्या क्या चीज़ें मिक्स करनी है वो सभी कुछ, जिससे कि पौधा अच्छा चले। तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो ये सेंडर है ये एक प्रकार का बुझा हुआ कोयला है। ये आप चाहें तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी आराम से मिल जाता है, 20 से 25 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। और आप चाहें तो आपके एरिया में कोई भी सुनार की दुकान जो होती है वहाँ पर बुझा हुआ कोयला होता है, जहाँ पर भट्टी में वो लोग सोने को गलाते हैं, तो वो जो कोयला यूज करते हैं वो कोयला भी आप यूज में ले सकते हैं। बस आपको वो कोयले को तोड़ना होगा, क्योंकि वो शेप में थोड़ा बड़ा बड़ा सा होता है, उसको तोड़ करके इस तरह से छोटा छोटा आप बना सकते हैं और फिर उसमें आप प्लांट्स को लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे ही प्लांट लगा दीजिए बिना कुछ मिलाए, तब भी पौधा बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। लेकिन अगर हम इसमें कुछ चीज़ें अगर मिक्स करते हैं उसमें, उससे बहुत ही अच्छा पौधे को विकास मिलेगा और बहुत बढ़िया रहेगा। तो मैं आपको आज वही बताऊंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स करना है। तो चलिए शुरू करें। तो फ्रेंड्स, ये अडेनियम का जो पौधा है ये कोकोपीट में लगा हुआ है। कोकोपीट से निकाल करके मैं इसको सेंडर में लगाने वाली हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह का ये सेंडर है, बिल्कुल छोटे छोटे दानों का, और यही बेस्ट होता है। तो 20 से 25 रुपए में मैंने इसे लिया हुआ है। ये नर्सरी में भी मिल जाता है और आप चाहें तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और इसको आप चाहें तो सुनार की दुकान से भी ले सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। जैसे भी आपके शहर में अवेलेबल हो आप वैसे इसको परचेज कर सकते हैं। तो इस अडेनियम को हमें लगाना है जो कि ये कोकोपीट में लगा हुआ है, इससे निकाल करके ही मैं लगाऊंगी। पर सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी प्लांट, जो भी हम प्लांट लगाते हैं अडेनियम का, उसका साइज जितना होता है उसी हिसाब से हमें पॉट का चुनाव करना है। जैसे कि इसका जो है साइज इतना है तो हमें उसी हिसाब से देखना है कि हमें लगाने के बाद 3 अंगुल या 2 अंगुल की जगह चारों तरफ से छोटी हुई होनी चाहिए, ताकि पौधा कुछ दिन तक इसमें ग्रो करे। जल्दी जल्दी आपको चेंज ना करना पड़े कि पता चला आपने बहुत से छोटे से पॉट में लगा दिया और आपको फिर तुरंत ही उसको चेंज करना पड़ गया एक साल के बाद। तो ऐसा नहीं, आप इसको इतना लीजिए जितना, अगर आपका पौधा छोटा है तो आपको छोटा पॉट लेना है, अगर आपका पौधा बड़ा है तो आपको पौधे पॉट का साइज बड़ा लेना है। तो मैं इतना बड़ा साइज ले रही हूँ और ये एक सेरेमिक पॉट है, तो सेरेमिक पॉट में काफ़ी अच्छे चल जाते हैं अडेनियम। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं कि सेरेमिक में अडेनियम नहीं चलते हैं, तो चल जाते हैं। ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, इस तरह से ड्रेनेज आप चेक करके लीजिएगा कि ड्रेनेज खूब अच्छा हो। आप इसे मिट्टी के पॉट में भी लगा सकते हैं, मिट्टी के पॉट में भी बहुत ही बढ़िया चलते हैं। और देखिए, नर्सरी में तो प्लास्टिक के पॉट में ही लगे होते हैं, तो इसमें भी बहुत ही बढ़िया चलते हैं। बस ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, क्योंकि नर्सरी पॉट में देखिए ढेर सारे होल होते हैं, तो इसलिए पौधा प्लास्टिक में भी बहुत ही अच्छे से चल जाता है। तो सबसे मेन चीज़ होती है कि हम जो पॉट का चुनाव करते
करते हैं उसमें बहुत ही अच्छा ड्रेनेज होल होना चाहिए। तो होल होना बहुत ज़रूरी है, और छोटा सा होल ना हो, देखिए इस तरह से बड़ा सा होल होना चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें इसमें लगेंगी वो चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने लगभग 1 किलो के लगभग ये मैंने सेंटर लिया हुआ है। मिट्टी का यूज़ मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैं सेंटर में लगा रही हूँ। ये भी एक सॉयल मीडिया ही है, तो जिससे कि हम सॉयल के रूप में इसे यूज करेंगे। जैसा कि बताया मैंने कि इसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं होते हैं, बस इसे हम ड्रेनेज के लिए ही यूज कर रहे हैं जिससे कि हमारा एडेनियम का पौधा ख़राब ना हो। इसमें मिलाने के लिए मैं क्या क्या चीज़ें लूँगी आज मैं आपको वही सब दिखा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ मिलाने से हमारा पौधा अच्छा चलेगा। तो इनको मैं हटा देती हूँ पहले और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसमें ले लिया है मैंने, और ये मैंने लिया हुआ है सेंडर। देखिए इस तरह से मैंने इसको ले लिया। तो ये सेंडर है, इसमें मिलाने के लिए मैंने ये चीज़ें ली हुई हैं। ये पत्तियों की खाद है फ्रेंड्स, पत्तियों की खाद एडेनियम को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। तो मैंने ये लिया हुआ है पत्तियों की खाद, ये लिया हुआ है बर्मी कंपोस्ट, और ये लिया हुआ है मैंने बोन मील, और ये है नीम खली, और ये है रेत। तो इस तरह से हमें ये सब चीज़ें ले लेनी हैं। और फ्रेंड्स ये चीज़ें लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा पौधे को अच्छे से पोषण मिले और हमारा पौधा अच्छे से फूल दे ढेर सारे भर भर के। क्योंकि सेंडर में तो कोई भी पोषक तत्व नहीं होते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही बस देखने के लिए ही है, सिर्फ ड्रेनेज के लिए, कोई भी उसमें पोषक तत्व नहीं होते हैं। तो हमें पोषक तत्व अलग से देना होता है, और हमें टाइम टाइम से इसमें खाद भी देना होगा क्योंकि मिट्टी से उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो ये जैसे पत्तियों की खाद जो होती है वो हमारे एडेनियम के पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। साथ में मैंने ये जो रेत ली हुई है, और ये थोड़े थोड़े मोटे मोटे से ये जो पत्थर होते हैं ये वो है, तो ये मोटी वाली रेत है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल व्हाइट वाली जो नदी वाली रेत होती है ये वो नहीं है, ये मिक्स है, इसमें पत्थर भी मिक्स है। तो ये मैंने लिया हुआ है, इसमें मैं पहले भी एडेनियम ग्रो कर चुकी हूँ सिर्फ इसमें तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, तो ये मैंने ये वही वाली ली है। आप अगर ये नहीं लेना चाहते हैं, आपके पास नहीं मिल पाती है, तो आप अगर नई मिट्टी बनाते हैं तो आप रेत ले सकते हैं। तो रेत की ही मात्रा आपको लेनी है, जितनी आपको पत्तियों की खाद लेनी है उतनी ही आपको बर्मी कंपोस्ट लेनी है, और उतनी ही आपको रेत लेनी है। तो आपको ये सारी कुल मात्रा 50-50 ग्राम के लगभग से लिया है मैंने 1 किलो में मिलाने के लिए। और 2 से 3 चम्मच मैंने बोन मील लिया है, और 2 चम्मच मैंने नीम खली लिया हुआ है, और साथ में मैंने ये कुछ पत्थर के टुकड़े जो कि मैं नीचे लगाऊंगी, और ये मैंने फंगीसाइड है जो मैं अभी डाल के आपको दिखाऊंगी। तो फंगीसाइड आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, साफ फंगीसाइड अच्छा होता है, आप चाहे गुलाब में यूज या फिर एडेनियम में। तो सेंडर में मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करूंगी। आपको जैसे मैंने बता दिया ये सारी चीज़ें ज़रूरी है डालने के लिए। बाकी इसमें सरसों खली का प्रयोग हमें नहीं करना है क्योंकि सरसों खली में फंगस बहुत ही जल्दी पकड़ती है। तो इतनी चीज़ें ली हुई हैं सेंडर में डालने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर देंगे, इससे हमारा पौधा बहुत ही बढ़िया चलेगा। इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है सभी चीज़ों को आपस को, और इसमें हम डालेंगे ये फंगीसाइड। तो फंगीसाइड लगभग आप 1 चम्मच इसमें ले सकते हैं। फंगीसाइड इसमें आप कितना भी डालें वो नुकसान नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने ले ली, और इसको ऐसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। फंगीसाइड अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आप इसमें हल्दी पाउडर भी मिला सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें थोड़ा बहुत राग भी मिला सकते हैं 1/2 चम्मच के बराबर। पर राग का प्रयोग आपको इसमें ज़्यादा नहीं करना है, आप इसमें कोयले के टुकड़े का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर आपको राग का प्रयोग इसलिए ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा राग मिलाने से फिर मिट्टी एल्केलाइन हो जाएगी और फिर फूल आना कम हो जाएंगे। तो इसलिए हमें फूलों को फूल चाहिए हमें एडेनियम में, इसलिए हमें इसमें कोयले का प्रयोग आप कर सकते हैं क्योंकि ये सेंडर भी एक प्रकार से बुझा हुआ कोयला ही होता है। तो आप इसमें जो है राख का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, और अगर करते भी हैं तो बिल्कुल ज़रा सा, बिल्कुल कम मात्रा में। इस तरह से देखिए मिक्स कर लेना है। अब हमारा ये सॉयल मीडिया बहुत ही बढ़िया बन के तैयार है। एडेनियम को किस तरह से लगाना है और लगाने के बाद किस तरह से पानी देना है वो सभी कुछ मैं आज आपको आगे बताने वाली हूँ कि एडेनियम को हमें पानी किस तरह से देना है वो सभी कुछ। तो हमारी ये सॉयल मीडिया बनके तैयार है। अब हमें ये जो एडेनियम है इसको पहले मैं निकाल लेती हूँ।
और इसको जो है इस तरह से झाड़ देंगे, इस तरह से देखिए। और लगाने से पहले अपने अडेनियम को एक बार बहुत ही बढ़िया से चेक कर लें, ताकि अडेनियम कहीं कोई गलावट वगैरह ना हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि अंदर ही अंदर नर्सरी में जो अडेनियम रखे रहते हैं तो वो कभी कभी अंदर अंदर से रूट रॉट हो जाते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक बॉल में भी लगे होते हैं और ख़ासकर नर्सरी वाले कोकोपीट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं ताकि वेट हल्का रहे। तो इसकी वजह से आपको लगाने से पहले इसको खूब अच्छे से चेक कर लेना है, ताकि कोई ख़राब ना हो, कोई कहीं पर कोई भी रूट में जैसे दब ना रही हो, इस तरह से आपको जो है अच्छे से दबा करके देख लेना है। तो इस तरह से जो है लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसको अच्छे से धुल भी सकते हैं, धुल करके भी आप लगा सकते हैं, तो उससे भी बहुत बढ़िया होगा। तो देखिए इस तरह से जो है सब कोकोपीट अच्छे से निकल जाता है धुलने से, तो आप इसको धुल भी सकते हैं। मैं इसको धुल लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसको अच्छे से धुल लिया है, थोड़ा बहुत इसमें अभी कोकोपीट लगा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है कोकोपीट में हल्का फुल्का अगर नमी भी होती है तो हम सैंडर में लगा रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मिट्टी में लगाते तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। तो अब इसे लगाने के लिए देखिए, बीच में रख करके सेंटर में आप देख लीजिए, इस तरह से जो है आपका अडेनियम आएगा। तो इस तरह से सेंटर में रख करके देख लेना है जब भी लगाना है। और जब भी हम इसको लगाएंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से अडेनियम का भाग ऊपर था, इतना भाग नीचे था, तो हमें लगाने से पहले इसमें दो अंगुल हम इसको और ऊपर उठाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ से लगाऊंगी इसको, इतना ऊपर उठा दूंगी और इतना नीचे रखूंगी। बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकती, अगर मैं मिट्टी में लगाती तो फिर मैं इतना भी कर सकती थी, थोड़ा सा ही भाग मिट्टी में डालती, बाकी सारा ऊपर कर देती, तो ये जो कोडेक्स है वो धीरे धीरे और अच्छा बड़ा हो जाता, मोटा हो जाता और देखने में भी सुंदर लगने लगता। तो लेकिन हम सेंटर में लगा रहे हैं, इसलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ऊपर करके नहीं लगाएंगे, वरना अगर हवा वगैरह चलती है तो फिर अडेनियम गिर जाता है। तो हमें इतना कम से कम सिर्फ एक या दो अंगुल ही मैं ऊपर करूँगी, बाकी इतना मैं इसको अंदर डाल दूँगी, ताकि थोड़ी सी पकड़ भी मजबूत बनी रहे। और इसीलिए मैंने रेत भी इसमें थोड़ा सा मिक्स किया है, जिससे कि यह अडेनियम को पकड़ के रखेगा। आप चाहे तो सेंटर में भी, सिर्फ सेंटर में लगा सकते हैं, आप रेत वगैरह नहीं भी मिलाएंगे, पर उससे जो है उसकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं होगी सेंटर से। अगर हम रेत मिलाएंगे तो उससे पकड़ ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए, इसमें हमें सबसे पहले ये जो है ईंट के गमले के टुकड़े हैं पुराने, ये हमें लगाने हैं। लगाने का तरीका एक ये होता है, एक साइड से रख के और एक के ऊपर एक पिरामिड जैसे आप बना दें इस तरह से जो है, और पानी अच्छे से निकल जाएगा। और बस इसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा सैंडर डाल देना है नीचे, इस तरह से। और बस इस तरह से जो है आपको भरना है, यहाँ तक आपको भर देना है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा हमें कम से कम एक दो अंगुल तो आप खाली रखेंगे ना, ताकि पानी वगैरह डालने में दिक्कत ना हो। बस इस तरह से जो है भर देंगे हम। और ये हमारा अडेनियम लग करके तैयार है, बहुत ही बढ़िया अडेनियम चलता है इसमें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और जब आपको महसूस लगे कि हाँ आपका गमला अब भर चुका है, कोडेक्स मोटा हो चुका है, तो बस इसी तरह से आप जो है चेंज करके दूसरे गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह से जो है आप जो है सेंटर में लगा सकते हैं। और अभी कुछ दिनों के लिए आप चाहें तो अगल बगल से कोई पत्थर वत्थर से टिका करके भी कुछ दिनों के लिए रख सकते हैं, जिससे कि आंधी वगैरह आने में गिरे ना, क्योंकि इस मौसम में आंधी वगैरह भी बहुत आती है। तो इतना लगभग देखिए एक किलो में पूरा इतना भर गया, ये थोड़ा सा ही बचा है। तो हमारे ये पौधे को बढ़िया से देखिए लग के बिल्कुल रेडी हो गया है। और बहुत ज़्यादा नीचे देखिए मैंने नहीं लगाया है, ताकि इसकी थोड़ी सी पकड़ बनी रहे। अगर ज़्यादा नीचे लगा देती तो फिर ये गिरने का भी डर रहता, जैसा कि बताया मैंने। बस ज़्यादा नहीं भरूंगी, इतना खाली रखेंगे हम, क्योंकि जब हम पानी वगैरह देते हैं तो हमारी खाद वगैरह जो हम इसमें डाले हैं वो बर्बाद ना हो, इसलिए इतना सही रहता है। और ये ठस तो ऐसे ही बैठ जाता है, देखिए इस तरह से जो है थोड़ा थोड़ा सा आप दबा भी सकते हैं, तो बढ़िया से ये लग करके बिल्कुल रेडी है। एक बहुत ही बढ़िया सॉयल मीडिया होता है अडेनियम के लिए, बहुत ही बढ़िया इसमें अडेनियम चलता है, और अडेनियम तो आपका कभी भी इसमें रूट रॉट हो ही नहीं सकता, तो बहुत बढ़िया रहता है ये। तो ज़रूर लगाएं आप,
सेंडर में। सेंडर बहुत ही बढ़िया रहता है और सेंडर में तो बहुत दिनों से ये चल रहा है, कोई ये नई चीज़ नहीं है, बहुत पुराने से ही लोग इसमें लगाते चले आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा रहता है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको पानी हर रोज़ देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पानी, देखिए मैं अभी आपको डाल के दिखाऊंगी कि पानी डाला कि फट से नीचे ड्रेन आउट हो जाएगा, तो इसलिए पानी का हमें इसमें विशेष ध्यान देना है। यह फंगीसाइड, तो ज़रा सा फंगीसाइड मैंने मिट्टी में भी मिलाया था, थोड़ा सा मैं इसमें हल्का सा और मिलाऊंगी। वैसे अभी ना भी चाहें तो नहीं भी मिला सकते हैं, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस तरह से अगर आप फंगीसाइड मिक्स कर देते हैं और फिर अगर आप पानी देते हैं तो बिल्कुल भी चांस नहीं होते हैं कि हमारे फंगस लगेगा हमारे पौधे को। तो इस तरह से जो है एडेनियम को कभी भी लगाना है तो आपको फंगीसाइड ज़रूर मिक्स करना है पानी में, और बस इस तरह से जो है पानी को आपको दे देना है। अब ये देखिए आप, इस तरह से जो है पानी आपको देना है, देखिए डालते ही सारा एक सेकंड में पानी नीचे, ये फ़ायदा होता है सेंडर में लगाने का। देखा आपने, ये देखिए एक सेकंड में नीचे हो गया पानी। तो हमने इसमें बोन मील का भी प्रयोग जो है टुकड़े फॉर्म में किया था, इसलिए कि जो है पानी तुरंत बाहर निकल जाता है। तो आपको पाउडर फॉर्म में नहीं लेना है कोई भी चीज़, सब कुछ दानेदार लेना है ताकि धीरे धीरे पोषण पौधे को मिलता रहे जब भी नमी बनी रहेगी। तो बस इस तरह से जो है आपको पानी देना है इसमें, देखा आपने, ये देखिए डाला कि तुरंत बाहर, बस एडेनियम को यही चाहिए। तो ये हमें सेंटर में ही मिल पाता है, तो इस तरह से आप जो है यूज कर सकते हैं अपने एडेनियम के प्लांट पर, चाहे आप अपने गुलाब के प्लांट पर या जेड प्लांट पर या क्रेसुला प्लांट पर, इस तरह से जो है अगर आप यूज करेंगे तो आपका पौधा बहुत ही बढ़िया चलेगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, एडेनियम को सेंडर में कैसे लगाना है और क्या क्या चीज़ें मिक्स करनी है, प्लेन नहीं लगाना है। अगर आप इन चीज़ों को मिक्स करके लगाओगे तो आपके भी एडेनियम के प्लांट पर ढेर सारे फूल आएंगे और पौधा तो खराब होगा ही नहीं, और ये फूलों से हमेशा भरा रहेगा। तो ये चीज़ें ज़रूर मिक्स करिए सेंडर में, आपके पौधा बहुत ही बढ़िया चलेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी ग्रो कर सकते हैं अपने एडेनियम के प्लांट को, इससे आपके एडेनियम के प्लांट में ढेर सारे फूल आएंगे और एडेनियम का प्लांट खराब नहीं होगा, ये तो गारंटी है 100%। तो सेंडर में आप लोग जरूर लगाइए अपने एडेनियम के प्लांट को, गुलाब के प्लांट को या फिर जेड प्लांट को या फिर क्रेसुला प्लांट को, कोई भी किसी भी प्लांट को आप लगाएंगे। और सकुलेंट्स तो बहुत ही बढ़िया चलते हैं, तो आप इस किसी में भी आप सेंडर में आराम से ग्रो कर सकते हैं, पौधा बहुत ही बढ़िया चलने वाला है। बाकी एडेनियम प्लांट को लगाते समय हमें सेंडर में क्या क्या चीज़ें मिक्स करनी है, ये सभी चीज़ें अगर आप मिक्स करोगे तो फूल ही फूल आएंगे आपके एडेनियम के प्लांट पर। तो ओके फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।